मार्वल और सोनी में कैरेक्टर्स के राइट्स को लेकर छीना झपटी आज से नहीं दसियों सालों से चली आ रही है, और सबसे ज्यादा राइट्स वाली प्रॉब्लम तो स्पाइडरमैन और उसके यूनिवर्स को लेकर है। इसी चक्कर में वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी एमसीयू में गया तो था बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बट और हाँ, फैंस भी यही सोचकर खुशी के आंसू बहा रहे थे कि फाइनली अब स्पाइडी और वेनम का मिलन होगा। लेकिन ये मिलन होने से पहले ही नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसे एमसीयू से धक्के मारकर भगा दिया गया, और इतनी नौटंकी भी कम थी तो वेनम 3 में अगेन वही लेफ्ट ओवर सिम्बियोट वाला सीन आ गया। ऑल्दो ये तो मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये दोनों सीन्स बिल्कुल ही अलग अलग हैं। ये वाला सीन एमसीयू का है और ये वाला सीन प्रॉपर सोनीवर्स का है, यानी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का है। तो फैंस भी इतने कंफ्यूजन के चलते भाई बाल तो नोचने ही लगेंगे ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मार्वल और सोनी ये दोनों स्पाइडरमैन और वेनम के साथ अपने अपने हिसाब से चीजें करना चाहते हैं। मार्वल कुछ और करना चाहता है, सोनी कुछ और करना चाहता है। स्पाइडरमैन यूनिवर्स के फुल ऑन राइट्स ना ही मार्वल के पास है ना ही सोनी के पास, दोनों में डिवाइडेड है। इसीलिए स्पाइडरमैन मूवीज के ट्रेलर की थंबनेल में और वीडियो में दोनों में मार्वल के साथ साथ सोनी की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। लेकिन गाइस गुड न्यूज अब ये है कि फाइनली सोनी और मार्वल में स्पाइडरमैन 4 को लेकर स्पेशली माइल्स मोरालेस को लेकर काफी हद तक एग्रीमेंट बन चुका है। गाइस मेरा नाम है हिमांशु। बहुत सारी रीसेंट रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि स्पाइडरमैन की 4th मूवी में फाइनली माइल्स मोरालेस डेब्यू करने वाला है। इवन आज इस पॉइंट पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शायद से मार्वल माइल्स मोरालेस के लिए किसी एक्टर को कास्ट कर रहा हो, क्योंकि ऐसी इनसाइडर रिपोर्ट्स आ ही रही हैं। तो एक बिग न्यूज तो ये है कि माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन 4 में डेब्यू कर सकता है, नॉट कैमियो, डेब्यू। एंड सेकंड ऑसम न्यूज इज दैट कि स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडी का आर्च नेमेसिस वेनम भी होने वाला है, यानी पहले वेनम का एमसीयू में जाना और फिर वहां से वापस आ जाना, और इतने ड्रामे के बाद वेनम फिर से एमसीयू में जाएगा। तो भाई जब उसे एमसीयू में भेजना ही था तो जब वो पहले एमसीयू में गया था तो वापस ही क्यों लाए थे उसे, किस लिए इतना कंफ्यूज किया फैंस को। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें बतानी है आपको। सो वेनम 3 का ट्रेलर टॉप टू बॉटम परफेक्ट था, लेकिन पूरे ट्रेलर में एक सीन को देखकर दुनिया भर के फैंस बस यही कह रहे थे कि भाई आखिर चल क्या रहा है। एक्चुअल में आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि मार्वल ये चाहता था कि स्पाइडरमैन 4 एक सिंपल, ग्राउंडेड और बेसिक सी मूवी हो, वहीं सोनी चाहता था कि स्पाइडरमैन 4 नो वे होम से भी बड़ी एक मल्टीवर्सल मूवी हो जिसमें डिफरेंट यूनिवर्स के विलन्स आए इंक्लूडिंग वेनम। अब दोनों इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद मार्वल और सोनी नेक्स्ट स्पाइडी मूवी को लेकर एक प्रॉपर एग्रीमेंट पर आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है सीधे-सीधे कि सोनी और मार्वल दोनों जो चाहते थे वो 50-50 हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। यानी स्पाइडरमैन 4 थोड़ी ग्राउंडेड और बेसिक मूवी रहेगी मार्वल के लिए, और इसके साथ ही साथ कुछ मल्टीवर्सल एलिमेंट्स भी होंगे इसमें सोनी के लिए। अब याद करो नो वे होम का वो सीन जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल को रिवर्स कर रहे थे और मल्टीवर्स में क्रैक्स पड़ गए थे और दूसरे यूनिवर्सेस के कई सारे विलन्स अपने स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स में एंटर करने ही वाले थे कि तभी स्ट्रेंज ने स्पेल कंप्लीट कर लिया और ये अनहोनी टल गई। तो आपको क्या लगता है एमसीयू ने ये मल्टीवर्स क्रैक होने वाला सीन और दूसरे यूनिवर्सेस के विलन्स क्यों दिखाए थे? नॉर्मली मूवी में तो ये भी दिखाया जा सकता था ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल को रिवर्स कर देते हैं और सब ठीक हो जाता है। सो पर्सनली मेरा ये मानना है, मेरी ये थ्योरी है कि वो जो मल्टीपल विलन्स वाला सीन था वो एक इशारा था, एक इंडिकेशन था इस तरफ कि फ्यूचर में आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज में दूसरे यूनिवर्सेस के और भी विलन्स आएंगे। कैसे आएंगे वो तो मूवी में ही पता चलेगा, बट मल्टीवर्स चल रहा है तो कोई भी विलन कहीं से भी टपक सकता है। अब बात करें माइल्स मोरालेस की तो इनसाइडर माई टाइम टू शाइन हेलो और डेनियल आरपी के दोनों बहुत बड़े इनसाइडर्स हैं, मार्वल के अंदर की बहुत सारी न्यूज इनके पास रहती है। सो इन दोनों ही ट्रस्टेड इनसाइडर्स ने ये कहा है कि स्पाइडरमैन 4 में पहली बार माइल्स मोरालेस डेब्यू करने वाला है, और ये चीज बहुत ज्यादा सेंस भी बनाती है क्योंकि नो वे होम में हम इलेक्ट्रो को एक ब्लैक स्पाइडरमैन का जिक्र करते हुए देख चुके हैं, यानी एक ये इशारा था कि हाँ कहीं ना कहीं तो एक ब्लैक स्पाइडरमैन होगा ही होगा, ये उसने कहा था। तो एक तो ये हमें रेफरेंस मिला था माइल्स मोरालेस के लिए, और एक सीधा सीधा रेफरेंस हमें माइल्स मोरालेस का एमसीयू में और मिल चुका है, उसके बारे में आपको आगे याद दिलाऊंगा। वहीं वेनम के स्पाइडरमैन में आने का पूरा सीन सुनकर आपको सच में बहुत मजा आएगा। बट एक बात, इससे पहले कि मैं आपको वेनम का स्पाइडरमैन 4 में क्या रोल होने वाला है ये बताऊं, आप कहीं अकेले फुर्सत में बैठ जाओ और पूरे फोकस के साथ सुनना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो बैठ गए। अब इन सब की शुरुआत हुई थी वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां एडी अपने सोनी के यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर एमसीयू में चला गया था। वहां एमसीयू में जाकर उसने टीवी पर स्पाइडरमैन को देखा और उसके मुंह से लार टपकने लगी, फिर उसने टीवी को चाट चाट कर उस पर थूक लगा दिया, और ये सब देखने के बाद पूरी दुनिया भर के फैंस एक्साइटेड हो गए थे कि फाइनली हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वर्सेस टॉम हार्डी का वेनम, इनका क्रॉसओवर, इनकी फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज
स्ट्रेंज अपना स्पेल रिवर्स कर रहे थे, उसी दौरान स्पेल रिवर्स करने के चलते ही वेनम, जो कि सोनी वर्स से टेलीपोर्ट होकर एमसीयू में आ गया था, वो MCU से टेलीपोर्ट होकर वापस अपने यूनिवर्स यानी सोनीवर्स में चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, वेनम 3 के ट्रेलर में भी हमें सेम वही बार वाला सीन देखने को मिला जो हमें नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों ये सीन एक रेटकॉन है। रेटकॉन इफ मतलब आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, बेसिकली रेटकॉन का मतलब ये है कि मूवी में जैसे कोई मिस्टेक हो जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए जिसे मूवी में एक्सप्लेन ना किया जा सके तो सीधे सीधे उसको मतलब कवर अप कर देना, ढक देना एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो मैं इसी कंफ्यूजन की बात कर रहा था कि वेनम को जब एमसीयू में रखना ही नहीं था तो उसे एमसीयू में भेजा क्यों और वो बार वाला सीन क्यों दिखाया। और चलो वो बार वाला सीन एमसीयू में दिखाया था, बट वेनम जब अपने यूनिवर्स यानी सोनीवर्स में वापस आ गया तो फिर अगेन वेनम 3 के ट्रेलर में वही बार वाला सीन क्यों दिखाया सेम बारटेंडर के साथ, जो वेनम एडी ने एमसीयू में छोड़ा था, एमसीयू के बार में छोड़ा था, वही सेम उतना ही वेनम सोनीवर्स के सेम बार और सेम बारटेंडर के पास कैसे आया। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और रेटकॉन भी है। एंड हाँ, ये तो क्लियर है कि ये दोनों ही सीन अलग अलग यूनिवर्सेस के हैं, बट कहीं ना कहीं मार्वल को एक पॉइंट पर वेनम 3 में इस चीज को एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। थ्योरीज तो इसे लेकर बहुत आ चुकी हैं कि ये जो सीन एमसीयू में हुआ था ये यहाँ सोनीवर्स में वेनम 3 के ट्रेलर में कैसे देखने को मिला। मेरे हिसाब से ये हुआ है कि वेनम जब टेलीपोर्ट करके एमसीयू से वापस सोनीवर्स में आया तो सेम उसी लोकेशन में उसी बार में आया और टेलीपोर्टेशन के चलते ही उससे फिर से वेनम का एक टुकड़ा वहीं उसी बार में छूट गया। लेकिन स्टिल ऐसी कई सारी कन्विंसिंग थ्योरीज चल रही हैं, एक्चुअल में क्या हुआ ये तो मूवी में ही पता चलेगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्वल इस फैक्ट को कवर अप करना चाहता है कि टॉम हार्डी का वेनम फ्यूचर में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ क्लैश कर सकता है। मार्वल ये बात छिपाना चाहता है। क्यों छिपाना चाहता है? बहुत सिंपल रीजन है गाइस, मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए, ठीक जैसे उसने नो वे होम में किया था। पहले तो एंड्रू और टोबी बोलते रहे कि वो अब स्पाइडरमैन के में कभी नहीं आएंगे और इतने सारे स्टेटमेंट्स के चलते फैंस की हाइप भी बढ़ती चली गई। कई लोग तो मूवी केवल इसी वजह से देखने गए थे कि वो बस ये देखना चाहते थे कि टोबी और एंड्रू का स्पाइडरमैन मूवी में आएगा या नहीं आएगा। और ये स्ट्रेटजी सच में ब्रिलियंट थी, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी, इसी ने नो वे होम को एक ह्यूज सक्सेस बनाया। अब वेनम 3 वेनम की लास्ट सोलो मूवी है और वेनम 3 के ट्रेलर में भी स्पाइडरमैन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन वो बात जो किसी ने नोटिस नहीं की वो ये है कि ये वेनम की लास्ट सोलो मूवी है, बट टॉम हार्डी ने ऐसा कभी नहीं बोला कि इसके बाद वो वेनम का रोल कभी प्ले ही नहीं करेंगे। दैट मींस टॉम हार्डी की अकेले की कोई वेनम मूवी नहीं आएगी वेनम 3 के बाद, बट वो दूसरी सुपर हीरो मूवीज में जब जैसे चाहे आ सकते हैं, चाहे वो एक छोटा सा कैमियो हो या फिर पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम रोल हो। और मार्वल जैसे पिछली बार एंड्रू और टोबी के स्पाइडरमैन को नो वे होम में छिपा रहा था, ठीक उसी तरह से इस बार मार्वल भी स्पाइडरमैन 4 में वेनम के आने वाली बात को छिपा रहा है। दोस्तों मतलब खुद सोचो, वेनम द लास्ट डांस के बाद हमें लगेगा अरे यार वेनम का काम खत्म हो गया, अब वो कभी नहीं आएगा और कुछ ही महीनों में उसे पूरी तरह से भूल चुके होंगे। और फिर अचानक से अफवाह उड़ेगी कि वेनम स्पाइडरमैन 4 में आने वाला है, जैसे पिछली नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन को लेकर पहले अफवाहें उड़ी थी ना, वैसी अफवाहें इस बार भी उड़ेंगी कि भाई वेनम आएगा स्पाइडरमैन 4 में। तो खुद सोचो, ये र्यूमर सुनकर आप हाइप नहीं हो जाओगे? और फिर मूवी हॉल में अचानक से स्पाइडरमैन 4 में एडी कहीं से टपकेगा, हो गई पिक्चर इट। रिपोर्ट्स ये भी हैं दोस्तों कि मार्वल वेनम को एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में भी स्पाइडरमैन के साथ लाना चाहता है, दोनों का टीम अप कराना चाहता है। और ये चीज़ बहुत लॉजिकल भी है क्योंकि फैंस तो स्पाइडी और वेनम को एक साथ जाने कब से देखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ क्योंकि ये मल्टीवर्स सागा चल रहा है तो वेनम को एमसीयू में ला पाना भी इस टाइम एक्चुअल में बहुत आसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक और इनसाइडर रिपोर्ट ये भी थी कि सोनी एंड मार्वल जब स्पाइडरमैन 4 को डिस्कस कर रहे थे तो मार्वल ये चाहता था कि मिगेल ओहारा, जिसे हमने अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देखा था, वो बहुत तगड़ा कैरेक्टर था, तो मार्वल उसकी पॉपुलैरिटी के चलते ये चाहता था कि मिगेल ओहारा और कैंग ये दोनों मिलकर एक अलायंस बनाए। बट अभी जो कैंग वाली प्रॉब्लम चल रही है इसके चलते सोनी ने इस अलायंस को बनाने से तो मना कर दिया, बट मिगेल ओहारा के नॉर्मल डेब्यू को लेकर सोनी अभी भी पॉजिटिव है। यानी माइल्स मोरालेस के साथ साथ हमें एक पॉइंट पर मिगेल ओहारा का भी लाइव एक्शन वर्जन डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकता है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज के चलते और स्पेशली वेनम के स्पाइडरमैन 4 में आने की पॉसिबिलिटी के चलते हमें वेनम 3 के ट्रेलर में तो स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाया गया, बट वेनम द लास्ट डांस के एंड में यानी पोस्ट क्रेडिट सीन में
हमें बहुत बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, ये अभी से लिख कर रख लो। इसके साथ ही माइल्स का आना भी ऑलमोस्ट तय है और नो वे होम में इलेक्ट्रो के माइल्स मोरालेस वाले रेफरेंस के अलावा भी इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ ये है, जिसे आप शायद अब तक भूल गए होंगे, कि स्पाइडरमैन होम कमिंग में एरन डेविस एके द प्राउलर को दिखाया गया था, जो कि माइल्स के चचा है। दैट क्लियरली मींस कि जिस यूनिवर्स में पीटर है उसी सेम यूनिवर्स में एंड मे बी उसी सेम सिटी में कहीं आसपास ही माइल्स मोरालेस भी है, क्योंकि उसके चचा भी वहीं घूम रहे हैं। बस दिक्कत इतनी है कि दोनों का अभी तक आमना सामना नहीं हुआ। इसके अलावा जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि टॉम हॉलैंड का मार्वल के साथ 6 स्पाइडरमैन मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से 3 हो चुकी हैं और 3 बाकी हैं। सो अभी इस पॉइंट पर माइल्स का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट 3 स्पाइडरमैन मूवीज के बाद टॉम हॉलैंड का तो टाटा बाय बाय हो जाएगा और फिर माइल्स मोरालेस को टेक ओवर करना पड़ेगा। तो काफी लॉजिकल और अच्छा टाइम है मार्वल का अब माइल्स मोरालेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो गाइस, आपको क्या लगता है, वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई सीन होगा या नहीं? स्पाइडी 4 में माइल्स आएगा या नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। इसके साथ ही गाइस, वीडियो को लाइक कर दो और अगले महीने कॉमिक कॉन और D23 से भी मार्वल की बहुत सारी एक्साइटिंग अपडेट्स आने वाली हैं, तो इनसे भी अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। He's a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me.